Hello, grade 7. Today we are going to study computer science. So the topic is the previous one. We have to continue this next topic. Let me share the slide with you. As you can see, the PowerPoint slides. Now this is the homework. This has to be done in fair copies. This is the exercise related to the topic we have covered, C, D and E. These are the descriptive questions at the back of your textbook. So if there is any confusion or if you cannot find the answers, and if there is any query, you can ask me anytime. Now we have to do some practical work regarding Excel and for average, sum, minimum and maximum. Let me share the slide for the Excel app. So first of all, I have to tell you what is average and then minimum, maximum and then हमने sum करना. तो पहले जो है ना, मैं कुछ products के नाम लिख देती हूँ, उसके बाद फिर उसके मैं नंबर्स लिख दूँगी एंड देन जो है ना, मैं आपको उसके एवरेज, देन मिनिमम, मैक्सिमम और सम निकालना बताऊँगी. लाइक प्रोडक्ट्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक ट्वाइस और केचप बॉटल्स ले सकते हैं, बॉटल्स जस्ट अ सेक, इट्स केचप बॉटल्स, बनाना, आइसक्रीम, लायन, नो नॉट लायन, वी नीड टू राइट सम प्रोडक्ट नेम्स और चिप्स. किसी भी हम 10 प्रोडक्ट्स के नाम लिखेंगे एंड देन उसके न्यूमेरिक्स डालेंगे एंड याच कार, बैग, बुक्स, कॉपीज. या मैं उनका अमाउंट लिख देती हूँ. ये इमेजिनेटिव नंबर्स हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए समझा रही हूँ. आप लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए ये नंबर्स लिख सकते हैं, कोई भी डेटा डाल सकते हैं, कहीं से देख के भी डेटा डाल सकते हैं, जो है बहुत सी और भी चीज़ें कर सकते हैं. तो हम इसका टोटल करना, यूजुअली जो टोटल होता है वो हमारा सम ही होता है. अब हम इसका सम कैसे निकालेंगे, पहले हम ये प्रेस करेंगे, इक्वल्स की साइन देंगे एंड देन एक नंबर आ जाएगा. सम निकालना है तो फिर हम सम को ऐसे रखेंगे, पुट करके ऐसे रखेंगे एंड देन हम यहाँ से ड्रैग करके पूरे हम कॉपीज तक लेकर आएंगे और फिर हम इसको कॉमा दे देंगे और जब हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा. ओके, एंड अब इसका हमने क्या निकालना है, अब हमने इसका एवरेज निकालना है. एवरेज में हम कैसे निकालेंगे, एवरेज में हम ऐसे निकालेंगे जैसे हमने ये निकाला है. सही, ये हमारे पास एवरेज आ गया. अब एवरेज में हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा हमने कॉपीज तक ले लिया और फिर हमने इसको कॉलम दे दिया एंड देन ये आप लोगों के पास एवरेज आ गया. अब मिनिमम और मैक्सिमम, ये मिनिमम हमारा हो गया, मिनिमम कम अमाउंट होता है, मैक्सिमम का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होता है. मैक्सिमम और मिनिमम कम से कम. सो मैक्सिमम में हम करेंगे तो वही पैटर्न होगा, सही है. लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट है वो आपको एम ए एक्स के साथ आता है, शॉर्ट फॉर्म में आता है, दिस इज मैक्स. ओके, अब हमने बस ये कॉपीज नहीं, थोड़ा सा और ड्रैग करना है, 10 तक लेकर आना है. कॉपीज तक हो गया, हाँ 10 तक हो गया. अब हमने ये प्रेस कर दिया,
तो आपके पास 97 आपका मैक्सिमम आ रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी के अंदर। अब हमने मिनिमम में का करना है, तो मिनिमम के अंदर हमारे पास ये मिनिमम आ गया और हमने इसको पूरा सा ड्रैग करना है, पूरा हम ड्रैग करेंगे कॉपीज़ तक। अगेन सही से ड्रैग करके आपने कॉपीज़ तक लेकर आना है। तो कॉपीज़ तक वो बता रहा है B10 तक है, ये भी आपके पास रोज़ में आ रहा है और ये आपके पास कॉलम में आ रहा है 10। और हमने इसको कॉमा देना है एंड देन आपके पास 12 आ गया, जो कि बहुत कम नंबर है। और तो ये आपको मिनिमम मैक्सिमम एवरेज हो गया। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है ना मज़ीद हम पढ़ेंगे, वो हमारे लीस्ट फैक्टर्स में अंदर आते हैं, लीस्ट ग्रेटर नंबर आ जाते हैं, डिवाइज़र आ जाता है, और आपके पास लीस्ट नंबर आ जाता है, ग्रेट डिवाइज़र आ जाता है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक आप लोगों को चैप्टर 8 जो है ना, चैप्टर 8 नहीं जी, ओके, आप लोगों को एक चीज़ मुझे मेंशन करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि समटाइम्स हम चीज़ें गलत प्रेस करते हैं। आप लोगों को बुक अपनी निकालनी है, मैं आपको समझा देती हूँ। Page 8 है, मैथमेटिकली ऑपरेटर्स यूज इन फार्मूलाज। तो इसमें बता रहा है कि इसमें ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं और सीक्वेंस वाइज यूज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डी एम आर के हिसाब से यूज़ होते हैं। और जो है ना, और जब इनकेस अगर आप लोगों ने रिज़ल्ट से निकाली तो हमारे पास कुछ एरर्स आते हैं, जो कि टेबल 1.3 पर दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो एरर्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास एक एरर आता है जब हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था पुरानी रिकॉर्डिंग के अंदर। तो हर जो आपके पास एरर आता है उसके अपने अपने रीजंस होते हैं। अब ये जो एरर आपके पास दिखाए जाते हैं, जो पहला एरर है वो इसीलिए आता है क्योंकि हमने जो है ना डिस्प्ले वैल्यू सही नहीं की होती। और जो सेकंड DIV वाला एरर आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनवैलिड ऑपरेशन डाली है। और उसके बाद जो थर्ड वाला NA आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो वैल्यू है ना वो डाली जो कि अवेलेबल ही नहीं है। और फिर नम में जो ना एरर आ रहा है तो वो इसीलिए आता है क्योंकि जो आपने वैल्यू डाली है वो नेगेटिव नंबर स्पेसिफाइड है और जो है आप लोगों ने पॉजिटिव नंबर आपको एक्सपेक्टेड है आ जाता है आपके पास नेगेटिव नंबर, लेकिन हमारे हमें जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। और REF होता है इसीलिए आता है जो है ना एरर आपका, क्योंकि आपका सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तब होता है जब आपके जो है ना सेल वो डिलीट किए जाते हैं वर्कशीट से। अब आपके पास वैल्यू में अंदर आ रहा है, तो अब वैल्यू का ये कि ये जो फॉर्मूला आपके पास है वो इनवैलिड आपकी आर्ग्यूमेंट शो कर रही, और वो इसीलिए शो कर रही क्योंकि आपने टेक्स्ट सेल में न्यूमेरिक वैल्यू जो है ना रिक्वायर्ड थी और आपने उसके अंदर जो है ना टेक्स्ट दे दी है। तो ये जो है ना कुछ एरर्स होते हैं, उसका आपको केयरफुल आपको देखना पड़ता है कि आप ऐसी चीज़ें ना डालें। जैसे हमने एक एग्जांपल भी की थी सर्कुलर रेफरेंस के अंदर कि हमने A1 A2 का हमने निकाला था, लेकिन A3 का हम निकाल रहे थे तो वो आ नहीं रहा था। वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने A1 और A2 की हमने सिर्फ वैल्यूज डाली थी, हमने दूसरी की वैल्यूज नहीं डाली थी। तो ये होता है कि अगर आप वैल्यूज सही नहीं डालेंगे, कोई चीज़ आप छोड़ रहे हैं, तो फिर वो एरर वो बता देता है सर्कुलर रेफरेंसेस के यहाँ पर आपने गलती की है। तो आज के लिए इतना ही है। लेट मी अगेन शेयर द माइक्रो पावर पॉइंट, ओके। आई एम अगेन टेलिंग इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन टू आस्क मी एंड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन CD एंड इन फेयर कॉपीज। एंड इफ देयर इज एनी अदर कन्फ्यूजन और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम।